हेलो एंड वेलकम टू 101st एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर स्पाइनल डीकंप्रेशन। अब आपको पता है कंप्रेशन क्या होता है? जब हमारी यहाँ पे नर्व प्रेस हुई होती है डिस्क बल्ज की वजह से या वर्टिब्रा में स्पेस कम हो जाती है उसकी वजह से, तो वो क्या करती है, कंप्रेशन करती है नर्व के ऊपर, जिसकी वजह से आपको शैटिका होता है, स्टेनोसिस होता है। हमारा डीकंप्रेशन का मतलब होता है इसको डीकंप्रेस करना, यानी कि इसमें स्पेस बनाना। तो अभी तक हम जितनी एक्सरसाइज कर रहे थे 100 एपिसोड्स में, फ्लेक्शन हो गई, एक्सटेंशन हो गई, वो कभी डिस्क को अंदर करने के लिए, कभी मसल लेवल पे, वो सारी एक्सरसाइज होती थी मसल लेवल पे, ताकि उसमें थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो जाए, कैनाल थोड़ी सी ओपन हो जाए। अब हम सीधी करेंगे डीकंप्रेशन वर्टिब्रा लेवल पे, यानी कि जो हमारा जो वर्टिब्रा है वहां से सीधा स्पेस खुलेगा। आपने मैकेनिकल ट्रैक्शन सुना होगा, फिजियोथेरेपी करवाने जाते हैं तो वहाँ पे ट्रैक्शन दी जाती है, जिसको भी सेटिका होता है, ताकि उसको वो मशीन पुल करती है तो उसमें थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करती है, बहुत थोड़ी सी। इसी तरह से अब हमने वर्टिब्रा में इस तरह की स्पेस क्रिएट करनी, उसको कहते हैं डीकंप्रेशन। तो डीकंप्रेशन किस तरह से करना है वो मैं आपको 3 बेस्ट एक्सरसाइज बताऊंगा, आप घर पे आराम से उसको कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो डीकंप्रेशन में जिसको लेग पेन हो रहा होगा, जब यह इसको वहां पे हम खींचेंगे तो जब नर्व रिलैक्स हो जाएगी तो स्पेस बन जाएगी, उसका पेन कम हो जाएगा। पर यह एक्सरसाइज करने से पहले हमने ये जरूर ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो केस है वो एक्यूट डिस्क बल्ज नहीं होना चाहिए। एक्यूट डिस्क बल्ज में उसका SLR पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्यूट डिस्क बल्ज में SLR पॉजिटिव होता है। कफिंग स्नीजिंग पेन नहीं होना चाहिए। अगर ये क्रॉनिक केस में पहुंच चुका है, उसका डिस्क बल्ज और लेग में पेन जा रहा है, अगर पुराना है फिर तो ये एक्सरसाइज जो तीनों है वो जरूर वो कर सकता है। पर अगर एक्यूट केस है तो पहले डिस्क की तरफ ध्यान दें, उसके बाद हम डीकंप्रेशन की तरफ ध्यान देंगे, शुरू में नहीं। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में पेशेंट ने इस तरह से टेबल के एज पे आ जाना है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक्यूट स्लिप डिस्क में नहीं करेगा पेशेंट, जब क्रॉनिक हो जाएगा तब वो कर सकता है। तो बड़ा सिंपल सा एक्सरसाइज है, इस तरह से हमने पिल्लो रख लेना है ताकि हमारा जो स्टमक है वो हमारे उस पर टेबल के एज चुभे ना। तो आप अपने बेड पे थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, इस तरह का काउच होना चाहिए। तो इस तरह से हमने अपने आप को वहाँ पे रख लेना है बेड पे, इस तरह से पेट के बल पे, हमने स्टमक के टमी के बल पे इस तरह से पिल्लो के ऊपर आ जाना है और अपने हाथों को आगे को फैला लेना है और उसको काउच को कस के पकड़ लेना है। उसके बाद धीरे धीरे अपने नीज को फोल्ड करते करते अपने पैरों को हल्का सा उठा लेना है। आपने टोज पे रखना है अपने आप को और नीज को हल्का सा अपनी बॉडी को नीचे की ओर पुश करते हुए, अब देखिए मैं बॉडी को पूरा नीचे के, अब जब नीज फोल्ड करेंगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली पुश करेगी नीचे को। अब ये हो क्या रहा है, हमारा जो पेल्विस है, हमारे जो थाइज है, वो नीचे को पुल कर रहे हैं इस तरह से। जब हम उसको उल्टा लिटा दिया ऐसे, अब देखिए यहाँ पे हमने इसको लिटा दिया, अब ये नीचे को पुल कर रहा है हमारा बॉडी वेट, और ऊपर से हमने इसको पकड़ा हुआ है काउच को, तो ऊपर वाला बॉडी जो अपर बैक है वो उसको खींच के रख रहा है ऊपर को, और नीचे वाला हमारे जो पेल्विस है वो नीचे को खींच रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्टिब्रा में थोड़ी सी स्पेस बनेगी, जिसमें हमारी जो नर्व प्रेस हो रही है या हल्का फुल्का जो कैनाल है वो हल्का सा ओपन हो जाएगा। पर ये हम क्रॉनिक केस में करेंगे, एक्यूट में नहीं करेंगे, बार बार मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से बॉडी वेट, अपने ही बॉडी वेट के साथ डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन में हम इस तरह से अपना डीकंप्रेशन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में आपने होल्ड करना है कम से कम 10-15 सेकंड्स, और इसको 2-3 बार कर सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि जब आप ये कर रहे हैं तो आपके जो सिम्टम है लेग वाले या बैक पेन वाले वो बढ़ने नहीं चाहिए। आपको एक बड़ा सूदिंग सा रिलैक्सेशन फील होगा और ऐसा लगेगा जैसे कुछ खुल रहा है। जब वो इस तरह की फीलिंग आएगी तो इसको कंटिन्यू करिए, अगर ये पेन बढ़ाता है तो इसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए इमीडिएटली। तो इस तरह से हमने इसको होल्ड करना है 15 सेकंड, तो ऐसे 3-4 रेपिटेशन हम कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज के लिए हम यूज़ करेंगे वेज पिलो, जो आप सबने ऑर्डर ऑलमोस्ट किया हुआ है, सबके पास है, बेड पे बैठने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब एक्सरसाइज में कैसे यूज़ करना है वो मैं बताता हूँ। तो इस तरह से इसको उल्टा रख लेना है ताकि हमारा जो पूरा बॉडी वेट है वो इस पर आ सके, और जो हमारा पेल्विस वाला एरिया है, हमारा लोअर बैक जो है, लोअर बॉडी इसके ऊपर आएगा और पेल्विस वाला एरिया थोड़ा सा उसके ऊपर चला जाएगा, वो मैं बताता हूँ किस तरह से आएगा। इस तरह से हमने उल्टा लेट जाना है और ये जो एरिया है हमारा बिल्कुल लोअर वाला पोर्शन वो इसके अपर बॉर्डर पे आ जाएगा, और अपनी बॉडी को आपने बिल्कुल नीचे छोड़ देना है ऐसे, बिल्कुल फोल्ड। और आगे से कोई आप जरूर रखिए घर पे किसी को, ताकि वो आपको सपोर्ट कर सके। आपका जो ज़्यादा बॉडी वेट है वो आगे को शिफ्ट होगा तो इम्बैलेंस ना हो, इसलिए कोई ना कोई आगे खड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से आपने बिल्कुल उल्टा लेट के यहाँ पे अपना बॉडी वेट डाल देना है। इस तरह से हमने इसको होल्ड करना है कम से कम 20 सेकेंड।
अब देखिए इसने भी वही चीज की है, आपका जो वर्टिब्रल पोर्शन है वो उल्टा लेट के ये क्या कर रहा है, नीचे वाली बॉडी जो पोर्शन है वो नीचे पड़ा है, और जो इस तरह से आने से और जो ग्रेविटी है वो आपके अपर बॉडी को इस तरह से खींच रही है, तो ये जो है यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो कंप्रेशन है वो मिल रहा है। तो इस तरह से हमने पूरा बॉडी वेट डाल देना है। इस टाइम पे भी मुझे यहाँ पे एक इस तरह से फीलिंग आ रही है जैसे कुछ खुल रहा है, आपको भी फीलिंग आएगी क्योंकि सारा दिन बॉडी जो है वो कंप्रेशन में लोडिंग फेज में रहती है, तो अनलोडिंग के लिए हमें इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो देखिए हम इस पे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि किस तरह से हुआ। ये पेल्विस वाला एरिया आ गया यहाँ पे, इस तरह से हमारी बॉडी है। अब देखिए ऑलरेडी इसने यहाँ पे जगह बना दी है, और जब हम इसको और आगे को पुश करते हैं नीचे जाने के लिए तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे जो नर्व कंप्रेशन है वो डीकंप्रेस हो चुका है। तो ये हमारा पोजीशन बनता है जब हम उल्टे लेटते हैं इसके ऊपर। तो अब चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। तो आपको घर पे इस तरह से कोई ना कोई बार मिल जाएगा, आपके पास रॉड है ऊपर लटकने के लिए, तो इस तरह से आपने, अब मैं आपको जो हाथ है उसको हैंग करके, अब धीरे धीरे क्या करना है, यहाँ हैंग करके अपने नीज को हल्का हल्का फोल्ड करना शुरू कर दीजिए इस तरह से। अब जब आप नीज को फोल्ड करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो नीज बेंड हो रहे हैं वो धीरे धीरे अपना जो बॉडी वेट है, आपका जो बॉडी वेट है पेल्विस का, वो नीचे की ओर शिफ्ट होने शुरू हो जाएगा, और ऊपर से आपने उसको होल्ड करके रखा हुआ है, तो इस तरह से आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ पकड़ के, अपने नीज को हल्का सा बेंड कर दें ऐसे। अब देखिए नीज को बेंड करने से चाहे आप अपने टोज को उसी पोजीशन में रखिए ताकि जो बॉडी वेट है वो पड़ा रहे। अपने नीज को हल्का सा बेंड कर दीजिए, छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए लोअर बॉडी को, तो ऐसे लगेगा जैसे आपका पूरा बॉडी वेट ऊपर झूल रहा है और इस पूरा स्पाइन जो है वो इस तरह से डीकम्प्रेस हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरह से है, तो ऊपर से जब हमने बॉडी लटकाया हुआ है और नीचे से हमारा जो नीज है बेंड करके पेल्विस उसको नीचे खींच रहा है, तो इस तरह से वो खींच जाएगा, पूरा पूरा स्पाइन खींच जाएगा। तो जो थोरेसिक है, लंबर है, सब में जो वर्टिब्रा में स्पेस है वो हल्का सा क्रिएट होगा और डीकम्प्रेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम थर्ड डीकम्प्रेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये थी 3 बेस्ट डीकम्प्रेशन एक्सरसाइजेस फॉर स्पाइन। जब भी लंबर स्पाइन की प्रॉब्लम होती है या बैक में या सेटिका होता है तो क्रॉनिक केस में आप ये एक्सरसाइज करके अपनी डीकम्प्रेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए जिसको भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये डीकम्प्रेशन जो है ये बहुत काम आती है, घर पे आप खुद से कर सकते हैं। पेन बढ़ रहा है तो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना, पेन कम हो रहा है तो इसको कंटिन्यू करिए, आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और वेज भी लोग ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। और भी बैक पेन से रिलेटेड 100 एपिसोड की प्लेलिस्ट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप उसको पूरे 100 बाकी एपिसोड दे सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।